महीने जेल में रखा और उसके बाद उनको अभी रिहाई मिली है और वो खौफजदा हैं कि वो जो कानून बना था दहशतगर्दों को ट्राई करने का कि जेल में करेंगे, क्योंकि उनको उनका प्रोटेक्शन हुकूमत पाकिस्तान का मुश्किल था, तो अब इनको दोबारा जेल में ट्राई करने की जो बात है इससे वो परेशान है। मैं समझता हूँ हद हो जाती है कहीं जिस एतबार से कि अब इस बात से निकलो। ये ख़ास तौर पर ये फ़ौजी ट्रायल्स की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी फेवर में नहीं है, दुनिया इसके फेवर में नहीं है। मैं समझता हूँ जुडिशरी के उसके ऊपर अमल करना चाहिए। मैं फ़ौज से भी कहता हूँ कि फ़ौजी ट्रायल्स का किस्सा आपकी बदनामी का बायस, मेरी फ़ौज की बदनामी का बायस बनेगा, इससे भी हाथ उठाओ, मुल्क के अंदर हील करना शुरू करो, मरहम लगाना शुरू करो। ये जो दुश्मनियाँ या ये नफ़रतें जो पल जाएंगी मुल्क के अंदर, ये जो रिजेंटमेंट है ये नफ़रतों में तब्दील होगा, तो लिहाजा इससे गुरेज करें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उन वर्कर्स से मैं जब मिला हूँ तो उसके अंदर एक फरजाना सरवर साहिबा से मैं मिला, जिनके हस्बैंड जब बिल्कुल क्रिटिकल हालत में थे तब इनको पैरोल मिला, और जैसे ही पैरोल मिला तो उन्होंने आज मुझे बताया कि उनसे ये कहा गया कि तुम्हें रिहाई जब मिलेगी, बाहर तुम जब जाओगी, अपने मियाँ के साथ मिलोगी, और उसके मियाँ का बिल्कुल बस्तर मर्ग पर थे जिसको हेपेटाइटिस हुआ जेल के दौरान, तो मौत की जिम्मेदार भी ये मामलात हैं और कैफियात हैं, कैसे बचेंगे? अल्लाह मियाँ के यहाँ क्या जवाब देंगे? और उससे कहा गया कि तुम बयान दे दो पार्टी के खिलाफ, गवाही दे दो, तब हम तो उसको निकालेंगे। तो शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि सोशल अकदार को पामाल कर दिया है, मुसलमानों की अकदार को पामाल कर दिया है। ये क्या अंदाज़ है, किस अंदाज से चल रहे हैं? तीन भाइयों का मिला, वकास, वलीद और फैज़ान। अच्छा, एक इस भाई गिरफ्तार हुआ, दो भाई उसकी रिहाई की तलाश में गए, उनको भी 8-9 महीने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। मौजूद है कि 9-10 बजे तक वो बिजनेस, अपने बिजनेस के बाद अंगूठा लगाकर अपने वहाँ से निकले हैं, उनको भी गिरफ्तार, 8-9 महीने गिरफ्तार रखा गया। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि इनका चौथा भाई जो डिसेबल्ड था उसने उस फैमिली की मेहनत करके मदद की, तो इस पर मैं फ़ख्र करता हूँ कि इस डिसेबल्ड बच्चे ने भी की। फिर मैं खदीजा शाह साहिबा से मिलने गया, वो कौम की हीरो बन गए जिस तरह अंदाज से उनके ऊपर बगैर सबूत के मुकदमे चलाते रहे, परेशान करते रहे, बच्चियों से नहीं मिलने दिया, उनके वालिद साहब को, उनके शौहर को अगवा किया गया। दुनिया के अंदर कभी होता है, कहीं होता है कि फैमिली को अगवा कर लो, कहीं बच्चों को उठा लिया जाता है, ताकि तुम ये स्टेटमेंट दे दो। तो इन वर्कर्स के साथ मिला, कई एक वर्कर्स के साथ मिला, ये 2-3 इंसानी हमदर्दी की कहानियाँ थी जो मैं आपके सामने बताना चाहता था। फिर मैं समझता हूँ कि जुडिशरी का मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो खड़े हैं। मैं समझता हूँ कानून के साथ खड़े रहना और कानून की ज़रूरत, कानून हर शख्स पर लागू होना, ये है मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम, मेरे इस्लाम का पैगाम है और मेरे पाकिस्तान का पैगाम है। तो मैं चाहता हूँ इंसाफ हो फॉर एवरीबडी, और जो बायस्ड कैफियत नज़र आ रही है वो बायस कैफियत निकलेगी। मैं जैसे आर्मी ट्रायल्स के एतबार से मैंने कहा फ़ौज भी इस बात से पीछे हट जाए, ये गवर्नमेंट भी पीछे हटे, और मैं समझता हूँ जुडिशरी भी इसमें सही फैसला करे। तीसरी बात ये कि जब लड़ाई लड़नी ही हो, लड़ाई ख़त्म ना हो, तो एक के बाद एक आपको रीज़न मिलता जाएगा। जब भाइयों में लड़ाई होती है तो फिर यही होता है, तुमने ये कहा था, फिर उसने थप्पड़ मारा, फिर इसने थप्पड़ मारा, फिर उसने डंडा चलाया, फिर इसने डंडा चलाया, फिर उसने फायर किया, फिर इसने फायर किया। तो इस कैफियत से मुल्क को निकलना चाहिए। 9 मई का वाक़या था, हमीदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट एक सेंसिटिव इशू बन गया है। भाई वो पाकिस्तान की रिपोर्ट है, पाकिस्तान की जुडिशरी ने, बड़े रेस्पेक्टेबल जज जस्टिस हमीदुर्रहमान ने उसको तरतीब किया। आज भी लोग जिंदा हैं जिन्होंने उसमें गवाही दी, और उनके बेटे माशाल्लाह बड़े ऑनरेबल जज जस्टिस हमीदुर्रहमान इस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। तो वो हमीदुर्रहमान कमीशन की रिपोर्ट से हमें सीखना है, सीखना चाहिए, फ़ौज को सीखना चाहिए, सिविलियंस को सीखना चाहिए, मुल्क के सियासतदानों को सीखना चाहिए कि कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो उसके ऊपर भी अब मुकदमा बनाकर गद्दारी के एतबार से चलाया जाए तो ये गैर मुनासिब सी कैफियत हैं, इनसे पीछे हटें। कब पीछे हटेंगे, कैसे पीछे हटेंगे? इसी तरह से चलाएँगे। मुल्क के अंदर कोई स्टेटिस्टिक्स 2-3 साल में बेहतर हुई, कोई एक चीज़ बता दो कि ये मामला बेहतर हुआ है। तो जो अरबाब इख्तियार हैं उनको मैं दावत देता हूँ कि इस बात पर सोचें
और कहीं ना कहीं इस मामले के अंदर पेशरफ्त की जाए। जनाब आला, ये मैं बात कर आपसे करना चाहता था, लिहाजा मैं बड़ी उम्मीदों के साथ फिर निकला हुआ हूँ इसी कोशिश में कि पाकिस्तान के अंदर जो सब सारे इंस्टीट्यूशंस बंद गलियों में चले गए हैं, उन बंद गलियों से निकलें, मेरे लोगों के मामलात हल हों, मईशत बेहतर हो, गुर्बत और बड़े बड़े मसाइल हैं जिनका कोई जिक्र ही नहीं है, वो डिस्कशन के बाहर हैं। हर वक्त ये तू तड़ाख चल रही है कि ये कहा और ये कहा और वो कहा, इससे निकलना चाहिए। मेरे मुल्क को तामीर की ज़रूरत है, ग्रोथ की ज़रूरत है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की ज़रूरत है, एंड देयर इज़ नो रीज़न ऑन अर्थ के बगैर गुफ्तगू के ये बात आगे चले। बेटा एक सेकंड जरा आज़म सवाती साहब भी कर लेना, फिर इकट्ठे सवाल ले लीजिएगा। देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की माशरत इमरान खान की रिहाई से मंसूब है, इसलिए कि आवाम ने 8 फरवरी को अपने वोट की हैसियत से, अपने वोट की पर्ची से इमरान खान के नुमाइंदों को पार्लियामेंट के अंदर और असम्बलियों के अंदर भेजा और फार्म 47 के ज़रिए मैं उन लोगों की मजम्मत करता हूं, मैं इलेक्शन कमीशन की मजम्मत करता हूं कि इतनी बड़ी धांधली, जिन्होंने इलेक्शन को फ्री और ट्रांसपेरेंट करना था उन्होंने वो काम नहीं किया, लेकिन सब वो काम किया कि जिसके ज़रिए से हमारी नुमाइंदगी को रोका गया। आज भी मैं कह रहा हूं कि मुल्क के अगर दुखड़े दूर करने हैं, इन पे मरहम रखना है, तो इसका वाहिद हाल ये है कि पाकिस्तान के बल्कि मिल्लत इस्लामिया के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को रिहा किया जाए, उन पे जेली मुकदमात को ख़त्म किया जाए और कानून की हुक्मरानी से मेरा ये मुल्क जो है आगे बढ़ेगा, इदारे मुस्तकम होंगे तो पाकिस्तान की मईशत और माशरत जो है बेहतर होगी। मैं पंजाब की इस धरती के अंदर, गैरतमंदों की धरती के अंदर और ख़ासकर पंजाब की असम्बली के मेंबरान से ये कहना चाहता हूँ कि आपने इमरान खान के साथ जिस गैरत का सबूत दिया है, पूरी कौम आपको सलाम पेश करती है और इंशाल्लाह ताला आपकी कावशों से न सिर्फ पंजाब आज़ाद होगा बल्कि पूरा पाकिस्तान खुदा के फजल से आज़ाद होगा। एक चीज़ मैं कह दूँ, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ बड़ा क्लियरली कि तीन डिमांड्स हैं, जैसे स्वाति साहब ने कही, तीन डिमांड्स हैं कि कानून की बालादस्ती, इसमें से किसी शख्स को एतराज़ नहीं होगा, कानून की बालादस्ती हो, उस एतबार से बड़ा मामला क्लियर है कि इमरान खान साहब को रहा किया जाए। और तीसरी बात यह है कि मैंडेट वापस किया जाए। ये हो नहीं सकता कि मैंडेट आप गसब करके और किसी वजह से, किसी अंदाज से, और अफवाहें फिर चलाएं, किसी अंदाज से इतनी बड़ी पार्टी को आप ताकत भी ना दें और उसके ख़िलाफ़ ये जंग करते रहें। जनाब देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है, मेरी सारी ज़िंदगी उम्मीदों के साथ रही है और मैं हक़ और सच्चाई के एतबार से उम्मीद बांधता रहूँगा और कोशिश करता रहूँगा, और लिहाजा मुझे यकीन है कि एक ही हल है और उस हल की तरफ जो भटके हुए भी हैं उनको आना पड़ेगा। ये मुल्क के हालात मजबूर कर रहे हैं कि हल की तरफ जाओ, हर एतबार से मजबूर कर रहे हैं, मगर उस मजबूरी में मेरा गरीब परेशान है। अच्छा, ये बताइएगा, जैसे आप बता रहे हैं कि मुज़ाकरात आप करना चाह रहे हैं, तो आप उनसे भी कोई राब्ता किया है? मीडिया पे आगे बात तो की है, लेकिन उनसे कोई राब्ता? असल में मेरे भाई, मजबूरी ये है कि जब मीडिया के ज़रिए बात होगी तो बातचीत क्या होगी, ठीक है ना? जब अखबारों के ज़रिए बातचीत होगी तो बातचीत क्या होगी? फ़िलहाल ये मीडिया और अखबारात के ज़रिए चल रही है, एक बात कोई कहता है दूसरा जवाब उधर से मिलता है। जो बेचारा जेल में है उससे कहा जाता है कि तुम दिल बड़ा करो, जो बेचारा जुल्म के अंदर है उससे कहा जाता है तुम माफ़ी मांग लो, तो अब आप खुद सोचिए। तो लिहाजा IMF के हवाले से आपने USA में भी प्रोटेस्ट किया और अब जो है आप हुकूमत वक्त के लिए कह रहे हैं, नई ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, कहीं पे कुछ लगता है कि बैक स्टेप हो रहे हैं आप? नहीं यार, मैंने क्या कहा बैक स्टेप, बताओ जरा, वजाहत कर दो तो जवाब दे दूंगा। IMF के हवाले से बात कर रहे हैं ना कि मैंने कहा कि IMF टैक्सेशन बढ़ाएगी, IMF चाहती है कि आप जो खर्च करते हैं वो लोगों से टैक्स में रिकवर कर रहे हैं, तो मैंने किसकी तारीफ की है इसमें? अच्छा,
चांदनी साहब आप नेक नीति से लगे हुए हैं, नेक नीति से पहले भी लाहौर अपने मिशन पर आए थे, अभी आपने क्योंकि अल्फाज की बड़ी अहमियत होती है, आजम सवाती साहब तो गैरत पंजाब की गैरत जगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है भटके हुए ये भटके हुए कौन है, इमरान खान साहब या मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जिसको? अच्छा तुम चाहते हो कि मुज़ाकरात शुरू ही ना हो कभी। देखिए ये पीटीआई का हक है ना, हर आदमी का हक है कि अगर कोई कहीं किसी कोर्ट में किसी अदालत में किसी बुज़ुर्ग के पास भी बैठकर अगर कोई मुकदमा रखेंगे तो अगर तासुब का ख्याल होगा तो वो उनसे गुजारिश करेंगे कि आप पीछे हट जाएं, आपने फैसला दे दिया है, तो ये पीटीआई का हक है। अच्छा जी, साइफर केस के मुतालिक मैं तो पहले भी बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में, और मैंने किसी कल परसों भी कहा, दोबारा आपके सामने कह देता हूँ कि जब मिनिस्टर्स हलफ उठाते हैं तो कहते हैं कि जी कोई मैं सीक्रेट डाइवर्ज नहीं करूँगा, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इजाज़त देंगे तो जो चीज़ें मेरे इल्म में आई हैं उनकी इजाज़त से खोल दूँगा। प्राइम मिनिस्टर साहब हलफ उठाते हैं कि जो चीज़ें मुझे पता चलेंगी उनको, जो नेशनल इंटरेस्ट में बात है उसको मैं ओपन करूँगा, तो लिहाजा ये मेरा आईन जो है वो बड़ा क्लियर है कि इसका फैसला कि कौन सी चीज़ ओपन करनी है कौन सी चीज़ कौम को नहीं बतानी है, प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। आईन के अंदर वो प्राइम मिनिस्टर हल्फ लेता है इस बात का कि मैं जो मेरे पर फ़र्ज़ है, एक्चुअली मैं उसको बढ़ा रहा हूँ कि मेरे पर फ़र्ज़ है कि कौम के हक़ में कोई बात होगी तो मैं उसको रिलीज़ करूँगा। तो ये साइफर का केस मुझे समझ में नहीं आता कि इसका सेक्शन ऑफिसर तय करेगा कि ये बात तुमने ओपन करनी है, आफ्टर द आइन एम्पावर्स द प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर तय करेगा, है ना? तो ये तो इमरान खान का फैसला था, इसके ऊपर साइफर केस में गुंजाइश नहीं बनती, मगर अगर अदालतें इस बात का ख्याल नहीं रखेंगी तो वो बदनाम होती रहेंगी, और इसी वजह से दुनिया के अंदर ये कैफियत है, आपने रजिस्ट किया कि इस वक्त पाकिस्तान इंसाफ के एतबार से 144 पर है, इसी वजह से है। आपने दूसरा सवाल किया कि महमूद रशीद साहब से, हाँ मैं मिलने गया था, मुझे खबर मिली कि उनका ऑपरेशन हुआ, मेरे दोस्त हैं, मैं मिलने गया, तो ये अजीब निज़ाम है कि जो हमदर्दी के अंदर भी मुझे उन्होंने अंदर भी नहीं जाने दिया, मेरा सलाम भी नहीं कहने दिया उनको, तो लिहाजा उनका कल मैंने सुना है कि ऑपरेशन हुआ, अल्लाह ताला उनकी सेहत बेहतर करे, मगर ये जो सोसाइटी के अखलाकी चीज़ें हैं ना, इनको इस तरह से पामाल करना, घर चादर चार दीवारी उन मासूमों को बंद रखना, अभी जिन फरजाना का मैंने नाम लिया उनके शौहर जनाब उनको जो बीमार थे और उनको मिलने के लिए ये कहा गया कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगी तो मिल लेना, तो ये तो बेसिक मैं समझता हूँ सोशल वैल्यूज़ और अकदार के मुसलमानों के ख़िलाफ़।